हाय, आई वेलकम यू ऑल बैक टू आवर चैनल क्लासिक फिटनेस एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हार्मोन के बारे में जो हमारे इंडस्ट्री से बहुत रिलेटेड है, चाहे बॉडी बिल्डर्स हो, चाहे फिटनेस एंथुजियास्ट हो, चाहे एक नॉर्मल ले पर्सन हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, अगर ये कम होता है तो क्या सिम्टम्स फेस करने को मिलते हैं, अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, आज हम बात करेंगे, और कैसे डाइटरी चेंजेस के साथ हम इसको मैनेज कर सकते हैं या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं जिससे ये चीज़ें जो है बेटर हो सके। टेस्टोस्टेरोन जो है इसको बोला जाता है प्राइमरी मेल हार्मोन, बट ये फीमेल्स में भी पाया जाता है। मेजरली इसका जो सिक्रीशन है दैट इज़ फॉर द मेल्स फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट फॉर द मेल्स, मतलब जो मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, दाढ़ी मूंछ, आवाज़ भारी होना, स्ट्रक्चर ब्रॉड होना, इन सब चीज़ों के लिए टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है। फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है मसल रिपेयर के लिए, मसल रिकवरी के लिए। मेल्स में भी ये सेम काम करता है, दैट इज़ वाई दिस इज़ द हॉट टॉपिक फॉर द बॉडी बिल्डर्स की टेस्टोस्टेरोन के क्या फ़ायदे हैं। अब टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं द यूथ हार्मोन। हमारी जब यूथ का टाइम चल रहा होता है तब ये पीक करता है और जैसे जैसे एज करते हैं वैसे वैसे ये ड्रॉप करने लगता है। बट आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से, आजकल के खाने की वजह से हमने देखा है कि बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं जो सफ़र करते हैं लो टेस्टोस्टेरोन से। तो पहले तो ये टेस्टोस्टेरोन जब लो होता है तो कैसा फील होगा, सो सबसे पहला जो सिम्टम निकल के आएगा दैट वुड डेफिनेटली बी एन एनर्जी क्रैश अराउंड द इवनिंग आवर्स। तो अगर आपका कोई क्लाइंट या आपको खुद को ऐसा फील होता है कि शाम तक होते होते मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है, मेरा बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता, मेरा मन करता है बस जाके मैं सो जाऊं, देन यू माइट हैव लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। यू माइट हैव टू वर्क ऑन दैट, यू माइट हैव टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन। इट्स अ वेरी सिंपल ब्लड टेस्ट, इसमें आपको कोई स्पर्म काउंट नहीं काम करना है। बहुत लोगों में होता है कि कैसे टेस्ट करेंगे, सो इट्स अ सिंपल ब्लड टेस्ट। आप लाल पैथ लैब पे जाएंगे, किसी भी अच्छी लैब पे जाएंगे, वहां पर जाके इजीली ये हो जाएगा। आप जब अपना ब्लड टेस्ट लेकर आएंगे तो वहां पे वैल्यूज होंगी, अगर वो लो की तरफ आता है तो डेफिनेटली हमें कुछ इंटरवेंशन की जरूरत है। अगर ये डाइटरी चेंजेस की वजह से या ये वर्कआउट की वजह से या आपके लाइफस्टाइल की वजह से कम है तो डेफिनेटली कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो इसमें हेल्प करेंगे इसको बूस्ट करने के लिए। बट अगर ये किसी और रीज़न की वजह से है, या हाइपोगोनाडिज्म की वजह से है, या किसी और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, तो वहाँ पर हमें एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मदद लेने की ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर हाइपोगोनाडिज्म है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा दैट यू शुड गो एंड सी एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। बट अगर आपको लगता है नहीं, ये बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल है, या अगर कोई ऐसा स्टेरॉयड यूजर था जिसने पहले कभी स्टेरॉयड यूज़ किए थे, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस लिए थे, उसकी वजह से लग रहा है, देन आई सजेस्ट कि आप ये ब्लड टेस्ट करवाइए। उसके बाद सबसे पहली जो चीज़ आप करेंगे, आप अपना वर्कआउट शुरू करेंगे, आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, उसके साथ आप एक अच्छी मील खाना प्रेफर करेंगे, आप हाई प्रोटीन डाइट पर जाएंगे, आप अच्छे फैट्स खाएंगे, आप रिफाइंड शुगर्स नहीं खाएंगे, आप अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, तब कहीं जाके आप इस लो टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस कर पाएंगे। तीन मेरे फेवरेट सप्लीमेंट्स जो डेफिनेटली आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग में हेल्प करने वाले हैं, अगेन आई विल से दे विल हेल्प इन बूस्टिंग द टेस्टोस्टेरोन। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है तो ये रूफटॉप नहीं लेके जाने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे डी एस्पर्टिक एसिड इज एन अमीनो एसिड जो टेस्टोस्टेरोन मेटाबोलाइजेशन या टेस्टोस्टेरोन मैन्युफैक्चरिंग में आपके लिए हेल्प करने वाला है। दैट इज टेकन वन सर्विंग एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग, ये सबसे पहले आप शुरू करिए। साथ में आप ट्रिबुलिस टेरिस्टिस एक अनदर हर्ब दैट यू कैन यूज, अगेन स्टडीज इसकी बहुत मिक्स है बट प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है बहुत सारे क्लाइंट्स के ऊपर ये काम करता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू द स्टडीज बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। उसके साथ आपकी नींद को बेटर करने के लिए देखा गया है कि कई बार स्लीप डिस्टर्बेंसेज ऑल्सो लीड्स टू लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, सो ZMA इज अनदर सप्लीमेंट दैट आई वुड से शुड बी अ पार्ट ऑफ योर स्टैक। ये तीन चीज़ें हैं अलॉन्ग विद दैट गुड नाइट स्लीप, नो कैफीन, ओके, लो प्रोसेस्ड फूड्स एंड रिफाइंड शुगर्स, ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी आपको डेफिनेटली टू फाइट द बैटल ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है मेरी सेक्सुअल लाइफ खराब हो रही है, मैं सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाता, सो दैट्स ओके, इट इज़ गुड टू टॉक टू योर ट्रेनर, इट्स गुड टू टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट इट, एंड छोटी छोटी इंटरवेंशन हैं जो हेल्प करेंगी आपको इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट लो टेस्टोस्टेरोन। अगर आपको लगता है कि आप इन सिम्टम्स से जूझ रहे हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं ऑन फेसबुक और ऑन इंस्टाग्राम। आपकी आइडेंटिटी को नहीं बताया जाएगा बट वील ट्राई एंड हेल्प यू आउट इन एनी अदर पॉसिबल वे। थैंक यू, आई विल बी साइनिंग ऑफ। माय नेम इज चिराग सेठी एंड विल कम बैक विद मोर वीडियोज ऑन द सेम चैनल। थैंक यू।